नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आई शुरू करते हैं खबरों का सफर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कोतवाली पुलिस को मिली सफलता की। कोतवाली पुलिस ने दो सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें पहली में दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को चूना लगाने का काम करते थे, नकली सोना बेचते थे, असली सोना दिखाते थे। वहीं दूसरी ओर एक वाहन चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस सर्वेक्षा में मौजूद ही वो सातिर हैं जो आम लोगों को चूना लगाने का काम करते हैं। यह दोनों ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को असली सोना दिखाते हैं और सोने को सस्ते दामों में बेचते हैं, लेकिन जिस सोने को यह बेचते हैं वह नकली होता है। इन दोनों सातिरों ने यहां कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। यह एक गैंग चलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हुए लोगों को चूना लगा रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को मिल रही थी और आखिरकार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें सिंधिया तिराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपने नाम कन्हैया पुत्र पप्पू, तेन पुत्र नरेन, निवासीगढ़ ग्राम टीमनपुरा थाना कुरौली बताया है। पुलिस ने लिखा पढ़ी किए जाने के बाद जेल भेज दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस की अभिरक्षा में मौजूद ये व्यक्ति सातिर वाहन चोर है, जिसकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी और आखिरकार पुलिस ने इसे मुखबिर की सूचना पर पीपरा घाट रोड ईशन नदी पुल के पास से उस समय गिरफ्तार किया है जब यह चोरी की मोटरसाइकिल पर ही कहीं जाने की फिराक में था। पुलिस पूछताछ में इसने अपना नाम सचिन यादव, पुत्र राजेश यादव, निवासी चंदेश्वर रोड थाना कोतवाली बताया है। पुलिस ने इसे भी लिखा पढ़ी किए जाने के बाद जेल भेज दिया।